कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्ट? सर 300 कहीं नहीं गया ये गंदे माहौल में। अच्छा माहौल होता तो 500 कहीं नहीं जाता, 500 पार। हाँ 500 पार करता, लेकिन जो भी माहौल अभी ठीक हो जाए तो ये 350-400 तो यूं कर देगा। सलमान को एक अच्छा गिफ्ट मिलेगा, एक सलमान को बहुत अच्छा गिफ्ट मिलेगा। चाहता हूँ मैं 27 को उसको जाके मिलना, देखो अगर यहाँ होगा तो जरूर मिलने जाऊंगा। फर्स्टली मनोज सर वेलकम टू वायरल बॉलीवुड, कैसे हो आप? आई एम वेरी गुड सर, फाइन। और आज का दिन तो आपके लिए खास होगा क्योंकि भाईजान आ गए हैं गेटी में। भाईजान गेटी में पधारे, दो बड़े हजार हजार सीट के थिएटर में, लोग मल्टीप्लेक्स में 200-250 सीट को फुल करते हैं और खुश होते हैं, हम हजार हजार सीट फुल करके खुश होते हैं। और आज प्रमोशन भी था इधर, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा प्यारा प्रमोशन था, डांस हो रहा था, नाच गाना हो रहा था। मतलब एक थिएटर के साथ साथ गेटी गैलेक्सी एक मंदिर बन गया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, यहाँ भी और मराठा मंदिर में भी वही हाल है, मराठा मंदिर सिनेमा भी हमारा ही है। जी जी, दोनों जगह पे वही हाल है। और मेरे को जब भी आप कोट करें आज के बाद, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोट करिएगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जी जी, तो ओनर नहीं होता इसके अंदर। जी जी, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुझे कोट करिएगा प्लीज। एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपको कितना गर्व फील होता है जब ऐसे सेलिब्रेशन होते हैं फैंस को लेकर, और स्पेशली सलमान के साथ क्या कनेक्शन है आपका, अगर कुछ शेयर करना चाहोगे? बहुत, मेरे उसके साथ परसों बात हुई है, इसमें रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, वो बहुत अच्छी बात हुई थी, वो चिन्ह में था। सलमान का और हमारा ये रहा है कि जब भी उसकी पिक्चर आई है मैंने दो थिएटर में डाली है, और दिन के कितने शो होंगे, चार और चार आठ शो, और आठ शो मल्टीप्लाइड बाय 2000 तो 16000 आदमी दिखते हैं और हकीकत में देखते हैं, और वांटेड से लेके दबंग 1, 2 या 3 जो भी हो। हाँ थोड़ा माहौल मैं आपके ज़रिए हमारे दर्शकों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मुंबई में कोई भी अफवाह पे ध्यान न दे, मुंबई वाले कभी कोई आगजनी करते नहीं हैं, ना कोई मारामारी करते हैं, ना रोड के ऊपर ऐसी कोई हरकत करते हैं। आप बेझिझक देख के पिक्चर देखने आ सकते हैं, बाकी अगर ऐसा कुछ हो गया हमारे नसीब आपके नसीब नहीं। वही लोगों को एक दहशत बैठी हुई है क्योंकि जो कुछ दिल्ली यूपी लखनऊ में हुआ है बहुत अपसेटिंग है, और समझ नहीं आता, कोई डेफिनेशन नहीं समझता है, कोई ये डेफिनेशन समझ नहीं पाता कि नागरिकता का हक क्या होता है। और मैं तो पॉलिटिशियन हूँ नहीं, मुझे वो समझाना भी नहीं है, मुझे इतना मालूम है आज के शो फुल जाने चाहिए थे, वो सब 90% गए हैं, उसका दुख है। कभी मेरे वहाँ 90% होता ही नहीं, 100% ही होता है, लेकिन क्या करें, होता है, कभी माहौल ऐसा हो जाता है माहौल बिगड़ जाता है, कभी लोग बिगाड़ देते हैं माहौल को, उसकी असर थिएटर पे पड़ती है, पिक्चर पे पड़ती है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे चल के सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सलमान, दबंग 3 का ट्रेलर आपने देखा था, ट्रेलर भी आपको बहुत पसंद आया था, आपने रिएक्शन दिया था, बहुत बहुत। तो मूवी को लेके आपका क्या पर्सनली फैन एक्सपेक्टेशन रखा? मेरा एक्सपेक्टेशन 100% था, और ये प्रोग्राम जो हुआ बहुत, मैं बहुत खुश हूँ, सलमान को मेरे हार्दिक अभिनंदन। और ये जो फुल नहीं हुआ ना, ये जो 95% पे रुक गई गाड़ी, वो मेरे ख्याल से कल परसों में फुल होना शुरू हो जाएगा। कुछ माहौल ऐसा बिगड़ा हुआ है कि फैमिली वाले लोग घर से बाहर निकलना नहीं चाहते। मेरी एक अपील है, कोई अफवाह पे ध्यान ना दे, टीवी मीडिया इस पे ध्यान दे, हम झूठ नहीं बोलते, झूठ बोल के हमें मिलना भी क्या है, हमें तो थिएटर चला रहे हैं, उसके लिए हम बैठे हैं ना, हमने 300-400-500 किया है, वही अपना 110-120 जो है, लेकिन वो 100 और 110 के रेट में भी इतना एनवायरमेंट मिलना, इतना बड़ा स्क्रीन मिलना, बहुत बड़ी बात होती है। और फिर आपको उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी मच, और मेरे जरिए मैं मेरे दर्शकों को भी कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा। सर आप लोग आते हैं तो हमें, आप ना हो तो हम भी नहीं, आप है तो हमें, थैंक यू वेरी मच। सर लास्टली सलमान को आप कैसे देखते हो, और जैसे जैसे उनका एज बढ़ रहा है ऐसे वो यंगर होते हो रहे मूवी में, मूवीज में, कि मतलब राधे आप तो वेरी गुड पर्सन बाय हार्ट, उसने अपना ह्यूमन हार्ट का भी रखा हुआ है, काफ़ी ऐसे लोगों को मदद कर देता है जो कभी उसके राइट हैंड से करता है तो लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलता,
और इसी को इंसान कहते हैं, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मेरा उससे बहुत बरसों पुराना रिलेशन है। उनका बर्थडे भी आ रहा है कुछ विश। हाँ, 27 को आ रहा है। आप दूधो नाओ पुतो फलो, आप खुश रहो। और आज पूरी दुनिया को जिस तरह आपने खुश रखा है, मेरी एक ही मन की इच्छा है कि जिंदगी भर इसी तरह खुश रहो। कोई उम्र से बुढ़ा होता नहीं, दिल से बुढ़ा होता है। तुम तो दिल से यार 18 साल के हो, तुम्हें कौन हाथ लगा सकता है।